नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हम आपका हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अथर पाशा में। तो स्टूडेंट का एमबीबीएस बीडीएस में एडमिशन नहीं होने के बाद में वो देखता है कि उसका आयुष में जैसे बीएमएस बीयूएमएस बीए बीएचएमएस में एडमिशन हो जाए, तो इसके लिए अभी एक अलग से काउंसलिंग कमेटी बनी है। तो ये पहली बार हुआ है, पहले इंडिया में आयुष के लिए एडमिशन, आयुष का मतलब बीएमएस बीएमएस आयुर्वेदा योगा वगैरह में एडमिशन पहले स्टेट ही करवाता था। इसमें 15% का कोई प्रोविजन नहीं था, 15% सिर्फ दिल्ली के कॉलेजों में एक कॉलेज में किया जाता था, जो एफएमएससी द्वारा किया जाता था, जिसकी सीटें 40-50 के आसपास थी। और वो ये सारे के सारे एडमिशन्स हैं 15% कोटा के लिए और 85% कोटा के लिए, ये सितंबर में एमबीबीएस बीडीएस एडमिशन खत्म हो जाने के बाद में हुआ करते थे। लेकिन इस बार कुछ चेंज हुआ है इसमें, क्योंकि पहले 15% सीटें होती नहीं थी दिल्ली को छोड़ के, तो उसमें स्टेट ही सभी सीटों पर अपने अपने काउंसलिंग करवाता था। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि जिस प्रकार से एमबीबीएस बीडीएस में 15% की काउंसलिंग एमसीसी करवाता है, उसी प्रकार से आयुष की भी काउंसलिंग 15% की आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी AACC द्वारा करवाया जाएगा। तो इसका शेड्यूल जारी कर दिया है। तो इसमें क्या होगा कि आयुष की जितने भी कॉलेजे हैं इंडिया में, बीएमएस बीयूएमएस बीएचएमएस की जितने भी कॉलेजे हैं, उनकी 15% सीटें, चाहे वो गवर्नमेंट की हो, प्राइवेट की हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, इनकी 15% सीटों के लिए काउंसलिंग AACC कमेटी द्वारा ही करवाई जाएगी। तो ये सबसे अच्छी खुशखबरी है। जो स्टूडेंट जिस स्टेट का है, वो अदर स्टेट में कहीं भी आयुष में एडमिशन ले सकता है। प्रोसीजर सेम एमबीबीएस बीडीएस की तरह ही है। पहले क्या हुआ करता था, इससे पहले कि जैसे ही एमबीबीएस बीडीएस के एडमिशन खत्म हो जाया करते थे, इनकी लास्ट डेट 31 अगस्त के पास पास हुआ करती थी, उसके बाद आयुष के एडमिशन स्टार्ट हुआ करते थे। लेकिन 15% के लिए अभी स्टार्ट हो गए हैं। जिस प्रकार से आप 15% एमबीबीएस बीडीएस के लिए सीट लेते हैं, सेम प्रोसीजर आयुष के लिए भी है। तो जो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि मेरा एमबीबीएस बीडीएस में एडमिशन नहीं हो पाएगा, वो इसके लिए ट्राई कर सकते हैं। तो इसका जो साइट है वो है AACC.gov.in। तो इसकी जैसे ही हम साइट पर जाएंगे, तो यहां देखो इसकी साइट पर ये लिखा हुआ है, ऑनलाइन अंडर ग्रेजुएट आयुर्वेदा सिद्ध यूनानी होम्योपैथिक सीट्स के लिए अलॉटमेंट प्रोसेस लिखा है इसमें काउंसलिंग का। तो ये सेम एमसीसी की तरह ही साइट है। फर्क बस इतना ही है कि जो एमसीसी की काउंसलिंग होती है वो एमबीबीएस बीडीएस के लिए होती है, और जो AACC की काउंसलिंग है वो आयुष के लिए, यानी बीएमएस बीएसएमएस बीयूएमएस बीएचएमएस के लिए होगी इसमें। तो जैसे ही हम इसकी साइट पर जाते हैं, तो इसमें सारे वही टैब दिए गए हैं, होम काउंसलिंग स्कीम, काउंसलिंग शेड्यूल, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट, एफएक्यू, कॉन्टेक्ट अस, इस प्रकार से दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम इसका काउंसलिंग शेड्यूल देखते हैं। तो जैसे ही काउंसलिंग शेड्यूल पर क्लिक करेंगे, तो ये शेड्यूल आ जाता है हमारे पास में। तो 25 जून से लेके 1 जुलाई 2019 शाम 5 बजे तक ये रजिस्ट्रेशन है, और पेमेंट आप कर सकते हैं जो 2 जुलाई को 12 बजे तक। इसके बाद में चॉइस फिलिंग और लॉकिंग है, वो 2 जुलाई को 10 बजे से शाम 5 बजे तक है। इसके बाद में जो प्रोसेसिंग होगा सीट अलॉटमेंट का, वो 3 जुलाई को हो जाएगा, और रिजल्ट 4 जुलाई 2019 को आ जाएगा। 5 जुलाई से 15 जुलाई तक आप कॉलेज में रिपोर्ट कर सकते हैं इसमें। इसके बाद में जो भी वैकेंट सीट होंगी वो डिस्प्ले हो जाएंगी साइट पर। सेकेंड राउंड का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा 25 जुलाई से लेके 27 जुलाई शाम 5 बजे तक। फीस जमा कर सकते हैं 28 जुलाई को 12 बजे तक। इसके बाद 28 जुलाई से 28 जुलाई को शाम 5 बजे तक आप इसमें
चॉइस फिल और लॉकिंग कर सकते हैं। इसके बाद जो प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 29 जुलाई को होगा, रिजल्ट इसका 31 जुलाई 2019 को आ जाएगा, और इसके बाद रिपोर्ट करना है आपको 1 अगस्त से लेके 10 अगस्त तक आपको रिपोर्ट करना है इंस्टीट्यूशन में। इसके बाद इन दोनों राउंडों के बाद जो सीटें खाली रह जाएंगी, कौन कौन सी की, जो गवर्नमेंट कॉलेजे हैं या फिर गवर्नमेंट एडेड और प्राइवेट कॉलेजे हैं 15% के लिए ही, ये सीटें अगर खाली रह जाती हैं तो इनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा कंसर्न्ड स्टेट को, जिस प्रकार से एमसीसी में किया जाता है, सेम प्रोसीजर वही है। फर्क इतना ही है कि एमसीसी की काउंसलिंग में प्राइवेट कॉलेजों की काउंसलिंग नहीं करवाई जाती है, लेकिन इसमें जो AAACC आयुष की काउंसलिंग है, इसमें 15% सीटों प्राइवेट कॉलेजों की 15% सीटों के लिए भी काउंसलिंग करवाई जाती है। इसके बाद में ये जो खाली सीटें रह गई गवर्नमेंट की और प्राइवेट की, दो प्रकार की कॉलेजों की जो खाली सीटें रह गई, वो सीटें स्टेट को ट्रांसफर कर दी जाएगी, और स्टेट अपने हिसाब से जो 85% की काउंसलिंग करवाएगा उनमें ये वैकेंसी ऐड करके उनकी काउंसलिंग करवा देगा। इसके बाद में जो मोपअप राउंड होगा, वो मोपअप राउंड की जो सीट मैट्रिक्स है खाली रह गई है, वो 22 अगस्त को डिस्प्ले हो जाएगी। अब मोपअप राउंड में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूशन जो हैं, उनकी काउंसलिंग का मोपअप राउंड AAACC द्वारा करवाया जाएगा। तो ये 23 अगस्त से इस मोपअप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, और 26 अगस्त तक शाम 5 बजे तक इसके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं मोपअप राउंड के। 27 अगस्त 12 बजे तक आप पेमेंट कर सकते हैं, और 27 अगस्त को 10 बजे से शाम 5 बजे तक आप चॉइस फिल और लॉक कर सकते हैं। इसके बाद में प्रोसेस हो जाएगा 28 अगस्त को, रिजल्ट आ जाएगा 29 अगस्त को, और कॉलेज में रिपोर्टिंग करना है 30 अगस्त से लेके 7 सितंबर तक। अब इस राउंड में जो मोपअप राउंड में सीटें खाली रह जाती है, वो सीटें ये कंसर्न्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, इनको ट्रांसफर कर दी जाएगी स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए। उसके बाद ये कॉलेजे खुद अपना स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट फिलअप करेंगी। तो दोस्तों ये तो था शेड्यूल इसका, कि कब हमने रजिस्ट्रेशन करना है, किस किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन होगा। एक बार मैं फिर आपको बता देता हूं कि आयुष की काउंसलिंग AAACC कमेटी द्वारा करवाई जाएगी BMS के लिए, और इसमें प्रोसीजर सेम ही है जिस प्रकार से MCC काउंसलिंग करवाती है 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए, इसी प्रकार से ये भी 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए आयुष की काउंसलिंग कंडक्ट करवाएगी। इसके बाद में हम इसमें देखें कि इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करें, तो रजिस्ट्रेशन के लिए सेम प्रोसेस है, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आपने रजिस्ट्रेशन कर देना है जिस प्रकार से आपने एमसीसी में किया है। इसके बाद आपने अगर रजिस्ट्रेशन कर दिया तो कैंडिडेट लॉगिन में आप सेम वही प्रोसीजर है जो एमसीसी की साइट पर हम करते हैं। इसके बाद में इसमें देखते हैं हम कॉलेजों की जानकारी कैसे लें, कौन से स्टेट में कौन सी कॉलेज है, उसकी फीस क्या है, क्योंकि मेन बात यह है कि आपने कॉलेज की फीस, कॉलेज के बारे में जानकारी लेके ही कॉलेज भरनी है। चॉइस फिल उसी प्रकार से करनी है कि कौन सी कॉलेज में कितनी सीटें हैं, सीट मैट्रिक्स अभी डाला नहीं है, सीट मैट्रिक्स इसका बाद में आ जाएगा, कौन सी कॉलेज की कितनी फीस है, क्या उसकी हॉस्टल फीस है, सारी की सारी इसमें पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस में दी हुई है। तो आपने यहाँ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से सभी की टैब दी गई है अलग अलग, बीएमएस की इसमें अलग टैब दी गई है, इसमें बीएमएस की कॉलेजें हैं, बीएचएमएस की अलग टैब है, बीएसएमएस की अलग है, बीयूएमएस की अलग है। तो सबसे पहले
आप बीएमएस की टेप पर क्लिक करके यहाँ देखो इसमें अलग अलग दिया गया है, गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज एंड हॉस्पिटल बिलासपुर ये लिखा गया है छत्तीसगढ़ ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट, तो हरेक कॉलेज के सामने इस प्रकार से लिखा गया है। तो आप यहां देख लें कि ये कॉलेज गवर्नमेंट है या प्राइवेट है या डीम्ड यूनिवर्सिटी है या सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, क्योंकि चार प्रकार की कॉलेजें की काउंसलिंग यहाँ हो रही है। इसके बाद में व्यू पर क्लिक करके आप इसमें इसकी पूरी जानकारी देख सकते हैं कि इस कॉलेज में ये गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज है, कौन से स्टेट में है ये, कौन से यूनिवर्सिटी के अंडर ये चल रही है, उसके बाद में सेशन कब से इसमें स्टार्ट हो रहा है, इसके एनुअल फीस क्या है, जैसे इसमें 10,328 दिखाया गया है एनुअल फीस। इसके बाद में इसमें हॉस्टल फैसिलिटी किसके लिए है, फीमेल के लिए इसमें हॉस्टल फैसिलिटी है। इसके बाद में मंथली हॉस्टल ड्यूज कितना है इसका, 600 रुपए है इसका। इसके बाद में अमाउंट आपको कितना पे करना पड़ेगा, 4,318। इसके बाद में इसमें दिया गया स्पेसिफाई पेलेंटी कितनी लगेगी, इसमें 17,202 रुपए है। साइट कौन सी है इसकी, इसके बाद आप ये इंफॉर्मेशन देखने के बाद इसमें कॉलेज की साइट दी गई है, प्रॉपर आप कॉलेज की साइट पर जाकर पूरी इंफॉर्मेशन ले लें। इसके बाद में अदर इंफॉर्मेशन भी लिखा है इसमें, एनुअल फीस फॉर एससी एंड एसटी कैटेगरी इज रुपीज 4,929, 60-bedded हॉस्पिटल, 45-seater गर्ल हॉस्टल, ये लिखा है इसमें, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन लिखी है। कॉन्टेक्ट अस में इसके फोन नंबर लिखे हैं, आपको कोई डाउट होता है आप कॉलेज के फोन नंबर पर आप फोन करके पूरी डिटेल ले सकते हैं। लेकिन सीट भरने से पहले मैं आपको ये कहूंगा कि आप पूरी जानकारी ले लें कॉलेज के बारे में और उसके बाद सीट फिलअप करें। आप एक पेज पर गवर्नमेंट कॉलेज अलग लिख लें, प्राइवेट कॉलेज अलग लिख लें, इसके बाद डिम्ड अलग लिखें, इसके बाद में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कॉलेज है वो अलग लिख लें, इसके बाद उनकी फीस लिखें, हॉस्टल फीस लिख लें, अदर इंफॉर्मेशन कोई अवेलेबल है ये एक पेपर पर लिख के पूरा एनालिसिस करके आप फिर इसके बाद में सीट भरें। इसके बाद हम आगे देखते हैं इसमें, ये तो हो गया कॉलेजों वगैरह के बारे में जानकारी, क्योंकि ये अहम है, आपने सबसे पहले पूरी जानकारी लेके पूरा होमवर्क करके इसके बाद भी कॉलेज भरनी है। ऐसा ना हो कि आप ऐसे ही कॉलेज भर दें और बाद में जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाए तो आप ये सोचें कि ये मेरे को कॉलेज लेनी ही नहीं थी, मैंने ये गलती से ले लिया, तो उसको कैंसिल का और वो प्रोसेसर अपग्रेडेशन का और वो काफी लंबा हो जाएगा। इसलिए पहले ही आप सोच समझ के भरें। जिन बच्चों के मार्क्स कम है वो ये सोचते हैं कि मेरा बीएमएस गवर्नमेंट में नहीं हो जाएगा, नहीं होगा, वो ही प्राइवेट और डिम्ड यूनिवर्सिटी भरें, क्योंकि एक बार डिम्ड यूनिवर्सिटी आपको अलॉट हो जाएगी तो उसके बाद में अपग्रेडेशन के लिए इसमें प्रॉब्लम आएगी। तो आप पहले ही ये सोच समझ के भरें और सेकंड राउंड का दोबारा से रजिस्ट्रेशन होगा, सीट च्वाइस फिलिंग वगैरह दोबारा से भरी जाएंगी, तो सेकेंड राउंड में भी आप सोच समझ के भरें इसको। इसके बाद में हम देखते हैं इसमें सारे लिखे हैं, इसमें एफएक्यू दिया गया है। एफएक्यू में क्यों क्या होता है कि जो हमारे डाउट हैं वो सारे इन एफएक्यू में क्लियर किए हुए होते हैं, कौन कौन से स्टूडेंट को क्या क्या क्वेश्चन डाउट होते हैं वो सारे के सारे इसमें एफएक्यू में लिखे होते हैं। तो आप एक बार इस एफएक्यू को जरूर पढ़ लें, इसमें कंडीशनें दी हुई है वो आप इसको पढ़ लें एक बार। इसके बाद में इसमें काउंसलिंग स्कीम का भी दिया हुआ है। काउंसलिंग स्कीम तकरीबन एमसीसी की तरह ही है, जिस प्रकार से एमसीसी की काउंसलिंग होती है वैसे ही इसी की भी काउंसलिंग होगी। फिर भी आप एक बार काउंसलिंग स्कीम पर नजर डाल लें, इसमें सारा लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, इसके बाद में कैंडिडेट द्वारा क्या एक्टिविटी होगी और AAACCC द्वारा क्या एक्टिविटी होगी। आपने पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट में आपको अगर सीट अलॉट हो जाती है
तो आपको रिपोर्ट करना है अलोटेड इंस्टीट्यूशन में। वहां अगर आप अपग्रेड नहीं करना चाहते हैं तो कॉलेज में एडमिशन ले, अपग्रेड करना चाहते हैं तो अपग्रेड का ऑप्शन दें। अगर कॉलेज अलोट नहीं होती है तो सेकंड राउंड में, आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है आपको। आपको सिर्फ चॉइस फिल करना होगा। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं सेकंड राउंड में, और मॉपअप राउंड में भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूं, मॉपअप राउंड सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और जो नेशनल इंस्टीट्यूशन है उसी के लिए ही होगा। जो प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज हैं 15% के लिए सिर्फ उसमें दो ही राउंड होंगे, फर्स्ट राउंड होगा सेकंड राउंड होगा। उसके बाद जो सीटें वैकेंट होंगी वो स्टेट को ट्रांसफर कर दी जाएंगी। तो इस प्रकार से ये काउंसलिंग स्कीम इसमें पूरी दी हुई है, वो आप देख लें। इसमें फर्स्ट राउंड एग्जिट राउंड है, फर्स्ट राउंड में आप सीट छोड़ सकते हैं इसमें। इसके बाद में इसमें आगे कॉन्टेक्ट अस में हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, इन हेल्पलाइन नंबर पर आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसमें आप बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये बीएमएस या आयुष के बारे में मैंने पूरी जानकारी दे दी है काउंसलिंग की। स्टेट की काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन बाद में स्टार्ट होंगे, जैसे जैसे आयुष के स्टेट के काउंसलिंग स्टार्ट होगी मैं आपको बता दूंगा। वैसे अभी एमबीबीएस और बीडीएस के स्टेटों के काउंसलिंग स्टार्ट हो रहे हैं। कुछ स्टेट का मैंने डाल दिया है, कुछ स्टेट का रह गया है, तो आप साथ साथ चेक करते रहें कि कौन से स्टेट की काउंसलिंग अभी चल रही है। एमसीसी की काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, कल इसकी लास्ट डेट थी। आज च्वाइस फिल और लॉकिंग की दोपहर 11 बजे तक है, तो आप इसका रजिस्ट्रेशन कर दिया जिन स्टूडेंट ने, तो वो च्वाइस को दोबारा रीऑर्डर करना चाहते हैं तो च्वाइस का रीऑर्डर कर दें। इसके बाद में इनको लॉक कर दें। अगर आप लॉक करने में असमर्थ हैं, आपने च्वाइस भर दिया है, तो वो ऑटो लॉक हो जाएगा दिन में 11 बजे ऑटोमेटिक ही। तो दोस्तों ये जानकारी मैंने आपको पूरी दे दी है बीएमएस की काउंसलिंग के बारे में। जिन स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि हमारा एमबीबीएस बीडीएस में एडमिशन नहीं होगा, जो ट्राई करना चाहते हैं 15% आयुष काउंसलिंग के लिए, 15% कोटा के लिए, वो प्राइवेट गवर्नमेंट डीम्ड और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की सीटों के लिए 15% के लिए रजिस्ट्रेशन करवा दें और अपना राउंड के लिए च्वाइस फिल अच्छी तरह से ये इंस्टीट्यूशन की डिटेल देख के भर दें इसमें। मैं आपको यहाँ कहना चाहूंगा कि आपने जो इंस्टीट्यूशन डिटेल है वो सावधानी से पूरा, इसमें पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट में सब कुछ लिखा हुआ है, एक रफ कागज पर अपना एक वर्कआउट कर लें और ये सोच लें कि आपने कौन सी कॉलेज भरनी है, कौन सी कॉलेज आपके लिए बेटर रहेगी। आपको थोड़ा सा इसमें समय देना पड़ेगा ताकि आपको अच्छी कॉलेज मिल सके। तो दोस्तों ये जानकारी थी बीएमएस के बारे में, आयुष एडमिशन के बारे में जो अभी स्टार्ट हो चुके हैं। आप इसका फॉर्म भर दें। नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा। लेकिन दोस्तों जाते जाते मैं आपको बता दूं कि मैं आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दूंगा, मेरे को किसी प्रकार का कोई व्यूज का लालच नहीं है, मेरे को किसी प्रकार का सब्सक्राइबर का लालच नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि मेरे चैनल से किसी को नुकसान हो रहा है तो आज ही अनसब्सक्राइब कर दें, क्योंकि न मेरे को पैसे का लालच है, न मैं ये चाहता हूं कि स्टूडेंट को किस प्रकार से हेल्प मिल सके। दिन का एक या दो वीडियो डालता हूं ताकि आपका टाइम भी खराब न मिले न हो, और ऐसा वीडियो डालता हूं जिसमें एक छोटे से वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन हो। ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो चुका है क्योंकि इसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन है। बाकी यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जहां फेक इंफॉर्मेशन मिलती है, उन चैनल से आप उन चैनल को अवॉइड करें। दूसरा मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो ये काउंसलिंग हो रही है, ये काउंसलिंग बिल्कुल काउंसलिंग अथॉरिटी द्वारा करवाई जा रही है। इसमें किसी प्रकार का कोई दूसरा अदर एक्टिविटीज इन्वॉल्व नहीं है। जैसे आपको कोई बोल रहा है कि मैं आपको यहाँ एडमिशन इतने रुपए में करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो आपको धोखा दे रहा है। आप उसके चक्कर में ना आए, सोच समझ के खुद अपने हिसाब से काउंसलिंग करें
क्योंकि ये जो टाइम है काउंसलिंग का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप सोच समझ के काउंसलिंग